हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है कंसेप्चुअल फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रकृति के कुछ मूल बलों की, यानी कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर की। यानी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रकृति में टोटल कितने मूल बल होते हैं, यानी कि कितने बेसिक फोर्सेस होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, और कैसे कैसे वो काम करते हैं, और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में लागू होते हैं, यानी कि अप्लाई होते हैं। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हियर वी गो फ्रेंड्स। यूँ तो हमारी दैनिक जीवन में, यानी कि रोज की डेली लाइफ में, कई तरीके के फोर्सेस हम महसूस करते हैं, देखते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन हुआ जो किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, या फिर यूँ कहें किन्हीं भी दो बॉडीज़ के मोशन के कारण उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। और इसी तरीके से हमारी बॉडी के मसल्स के कारण एक मस्कुलर फोर्स भी उत्पन्न होता है जो हम आम ज़िंदगी में यूज़ लेते हैं, तो वो फोर्स भी एक फोर्स है। और इसी तरीके से कई तरीके के फोर्सेस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 18, 19 और 20 सेंचुरी के बीच में, कई डिकेट्स में, यानी कि कई दशकों में, कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके हिसाब से ये तय हुआ या ये कंक्लूड किया गया कि ये जितने भी फोर्सेस हैं, ये सब के सब आउटकम हैं, या यूँ कहें बाय प्रोडक्ट्स हैं इन प्रकृति के मूल बलों के, यानी कि बेसिक फोर्सेस के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो फ्रेंड्स, नेचर में जो बेसिक फोर्सेस होते हैं उसमें वह चार प्रकार के होते हैं। हमें बेसिकली चार फोर्सेस डिफाइन किए गए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें से पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। यह एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स है जो कि धरती द्वारा उसके मास, यानी कि द्रव्यमान के कारण लगाया जाता है। फ्रेंड्स, नेचर का जो दूसरा बेसिक फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नाम में हमें दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, पहला तो है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिज्म। फ्रेंड्स, यह फोर्स बेसिकली क्रिएट होता है धरती के कोर से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरती का कोर अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और साथ ही साथ जितने भी छोटे कण होते हैं लाइक परमाणु, यानी कि एटम्स, इनके बीच में होने वाली मोशंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जो क्रिएट होती है, इन दोनों के कॉपअप से यह फोर्स क्रिएट होता है। और हमारी दैनिक ज़िंदगी भी, हमारी डेली लाइफ भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे ही चल रही है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर हम हमारी धरती की बात करें तो। सो फ्रेंड्स, नेचर का जो तीसरा बेसिक फोर्स है वो है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि एक न्यूक्लियर फोर्स है, यानी कि ये फोर्स छोटे से कण, यानी कि परमाणु, यानी कि एटम में, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ प्रोटोनों को बांध के रखता है। इसी वजह से तो हमारा सॉलिड स्टेट बन पाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि प्रकृति के सभी बेसिक फोर्सेस में जो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही होता है। इसी के कारण हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, सन है, अर्थ है, जितनी भी सॉलिड चीज़ें हम लोग हमारी धरती पे या फिर हमारे यूनिवर्स में देखते हैं वो सब इसी फोर्स के कारण बनी हुई है, एक अनुमान के अनुसार। सो फ्रेंड्स, बेसिक का जो आखिरी और चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट बेसिक फोर्स होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। फ्रेंड्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली कई सारी केमिकल रिएक्शंस में देखा जाता है, जैसे कि बीटा शे और कई सारी रिएक्शंस जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ बमबारी की जाती है एटम्स की जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो वहाँ ये फोर्स हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, जिसमें पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा था स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और ये चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फ्रेंड्स, आगे की वीडियोज़ में हम इन एक एक फोर्स पर अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।